लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई शिवसेना और विजय नाहटा फाउंडेशन ने लॉकडाउन के बीच श्रमिकों और जरूरतमंदों की सेवा में खाद्यान्न किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। श्रमिक दिवस पर प्रारंभ किए गए इस अभियान के तहत आज शिवसेना नेताओं ने तुर्भे माईडीसी के वारली पाड़ा इलाके में सैकड़ों श्रमिकों को राशन किट बांटा। इस अवसर पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुरेश कुलकर्णी, उपजिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर, शहर प्रमुख विजय माने और दिलीप जगताप समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, जिनके हाथों वर्लीपाड़ा के नागरिकों को यह राशन किट वितरित किया गया। इसके साथ ही वासी सेक्टर 15 और तुर्भे सेक्टर 21 में भी जरूरतमंदों को खाद्यान्न बांटे गए। उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर ने इस खाद्यान्न वितरण के लिए स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और राजन विचारे एवं उपनेता विजय नाहटा के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चल रहा है ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि यह सेवा नवी मुंबई में 8 दिनों तक चलने वाली है। नवी मुंबई शिवसेनेच्या वतीने आणि विजय नाहटा फाउंडेशन यांच्या वतीने आज या ठिकाणी या विभागाचे अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी करत आहोत। हा कार्यक्रम सातत्याने गेले 8 दिवस या नवी मुंबईमध्ये चालू राहणार आहे। बता दें कि लॉकडाऊन की तंगी में शिवसेना और विजय नाहटा फाउंडेशन का यह मदद अभियान स्लम इलाकों के नागरिकों के लिए बड़ी राहत बन रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर भारतीय सेल के जिला संगठक कमलेश वर्मा, उपसर प्रमुख प्रदीप वाघमारे, युवा सेना के महासचिव प्रवीण कामले, तुर्भे विभाग प्रमुख विनोद मुखे, तय पटेल समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।